लखनऊ में नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने कल रात अपने आवास पर सिंगापुर गवर्नमेंट के टेंडर एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के सीनियर डायरेक्टर से मुलाकात करी है। आपको बता दें कि यह मुलाकात एक शिष्टाचार भेंट थी। वहीं इस मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर भी सहमति बनी, जिसके बाद मंत्री ए के शर्मा ने प्राइम टीवी से खास बातचीत में बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में सिंगापुर यूपी का सहयोगी होगा। उन्होंने कहा कि सिंगापुर भारत का बहुत विश्वासपात्र सहयोगी रहा है, हम सिंगापुर को जितना उपयोग यूपी के विकास के लिए कर सकते हैं उतना बेहतर होगा। आज सिंगापुर गवर्नमेंट के ट्रेड और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के सीनियर डायरेक्टर मिस्टर फ्रांसिस चोंग यहाँ लखनऊ के की विजिट पे थे। कई उच्च अधिकारियों, मुख्य सचिव वगैरह से मिलने के बाद, चूँकि हमारा और उनका पुराना नाता रहा है, काम किया गया है, हम जब दिल्ली में MSME मंत्रालय के जब सचिव थे तो उनकी मिनिस्ट्री के साथ हमने सिंगापुर से एक पार्टनरशिप की थी, तो इसलिए हमारी उनकी थोड़ी का पहचान थी। तो चूँकि लखनऊ में थे तो उन्होंने मिलने की इच्छा जाहिर की और CII उनके कार्यक्रम को का संकलन कर रही थी, कोऑर्डिनेशन कर रही थी, तो उन लोगों के आग्रह पे मैं आज उनसे मिला, बहुत अच्छा लगा। उत्तर प्रदेश सरकार सिंगापुर सरकार के साथ पार्टनरशिप कर रही है, विशेष रूप से जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है उस संदर्भ में हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार का सिंगापुर सरकार के साथ पार्टनरशिप हो रहा है। वैसे भी सिंगापुर भारत का एक बहुत ही विश्वास पात्र, बहुत ही मधुर पार्टनर रहा है, हम लोग उनका जितना भी उपयोग कर सकें उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट में, विकास में, वो अच्छा होगा। मैंने भी उनसे कई क्षेत्रों में जो संभावनाएं हैं सिंगापुर के साथ पार्टनरशिप की, वो बातें मैंने उनको बताई हैं। उसमें विशेष रूप से मैंने उनको, क्योंकि मैंने MSMEs के डेवलपमेंट पे हमने उनके साथ पहले से पार्टनरशिप की थी भारत सरकार में रहते हुए, और देश की जो MSME हमारे देश में हैं, लघु और मध्यम और सूक्ष्म कक्षा के जो उद्योग हैं, उनका लगभग 30% से ज़्यादा हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश में होता से आता है। उत्तर प्रदेश के कई हमारे नगर हैं जहाँ कई ऐसी विश्वविख्यात चीज़ें बनती हैं, चाहे वो इत्र हो, चाहे पीतल का सामान हो, चाहे कांच हो फिरोजाबाद का, इन सारी बातों को लेकर के जो MSME हमारी काम करती हैं उनमें सिंगापुर के साथ सीखने का, कैसे हम उनको आधुनिक बनाएं, कैसे उनको हम एनर्जी इफ़िशेंट बनाएं, कैसे उनको ज़्यादा कम्पिटिटिव बनाएं, इसके लिए सिंगापुर से बेहतर कोई पार्टनर नहीं हो सकता। First, it was a great honor for Minister A.K. Sharma to welcome me to his home. I was happy that we are renewing old friendship with Minister Sharma, because when he was the secretary for Union Ministry for MSME, we were starting to work together. But then he has been called to higher office, and so it was a pleasure to meet him. And we also discussed what Singapore and the government of UP could do together as partners to help in the economic development and beyond that to uplift the lives of the people of UP.